दोस्तों अगर आप भी विराट और धवन को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पंजाब की हार से बेंगलुरु को मिली छप्पर फाड़ के खुशखबरी, निश्चित हो चुकी है प्लेऑफ में जगह। दिल्ली ने दिया कोहली को सबसे बड़ा तोहफा, तो आखिर कैसे दिल्ली की जीत ने पॉइंट्स टेबल में मचा दिया है हाहाकार। कैसे टूटा प्रीति जिंटा का एक बार फिर आईपीएल चैंपियन बनने का सपना। कहां पीछे छूट गई है पंजाब के साथ साथ चेन्नई और मुंबई की टीमें। अंक तालिका का पूरा हाल प्लेऑफ के समीकरण के साथ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली, रोहित और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला के मैदान पर पंजाब प्लेऑफ का खूबसूरत सपना सजाकर उतरी थी। उन्हें किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी, जीत के अलावा उनके सामने कोई विकल्प मौजूद नहीं था। लेकिन टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी दिल्ली उनके सपनों को बिखेरने के लिए तैयार थी, और ऐसा उन्होंने किया भी जब अपनी खौफनाक बल्लेबाजी के बाद घातक गेंदबाजी से उन्होंने एक बार फिर प्रीति जिंटा को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। जी हां, आपको बता दें पंजाब के कप्तान धवन ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया, और उनका यह फैसला उन्हें ऐसे जख्म दे गया जिन्हें भर पाना गब्बर तो क्या उनके करोड़ों फैंस के लिए भी मुमकिन साबित नहीं हो पाएगा। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पृथ्वी और वार्नर ने अपनी टीम को खौफनाक शुरुआत दिलाई। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक ही नहीं बल्कि 94 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, और दिल्ली ने अपनी जीत का महत्वपूर्ण आधार तैयार कर लिया था। हालांकि वार्नर अर्धशतक बनाने से पहले लौट गए, लेकिन उनका विकेट चटकाना पंजाब की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। वार्नर के आउट होने के बाद मैदान में उतरे रायलो रूसो ने अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि रिकॉर्ड की बरसात करते हुए केवल 25 गेंदों में तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी ने भी 50 रन जड़ा, लेकिन पृथ्वी के आउट होने के बाद रूसो ने रुकने का नाम नहीं लिया और केवल 37 गेंदों पर 6 खतरनाक चौके और 6 छक्कों की बदौलत 82 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसकी हर एक बाउंड्री पर पंजाब की हार लिखी हुई थी। बस फिर क्या था, दिल्ली की पारी तो आसानी से 200 के पार 213 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब यहां से केवल कोई चमत्कार ही पंजाब के नैया पार लगा सकता था, लेकिन वो करने के लिए भी कोई खास खिलाड़ी चाहिए था, और पंजाब के खेमे में कोई भी ऐसा मैच विनर उभर कर सामने नहीं आया। कप्तान शिखर धवन तो खाता तक नहीं खोल पाए, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल पूरे पंजाब की बल्लेबाजी का भी रहा, और एक बार फिर पंजाब की करारी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली ने तो बेंगलुरु को छप्पर फाड़ के खुशियां दी, लेकिन पंजाब का दिल तोड़ दिया। वहीं दिल्ली की जीत ने तो अंक तालिका में इस कदर उत्पात मचाया है जिसे देखने वाले अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। जी हां, चलिए अंक तालिका का पूरा हाल जान लेते हैं। तो दोस्तों दिल्ली की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन जाते जाते उन्होंने पंजाब को भी अपने साथ गर्त में डुबो दिया है। दिल्ली के 13 मुकाबलों में 5 जीत के साथ 10 अंक हो चुके हैं, तो 10वें पायदान के शर्मनाक पोजीशन से 9वें पायदान पर आ चुकी है। हालांकि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जहां हैदराबाद 10वें पायदान पर मौजूद है तो दिल्ली भी उन्हीं के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। वहीं 8वें पायदान पर मौजूद पंजाब की टीम इस हार के बाद 8वें पायदान पर ही रह गई है, जिनके 13 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक हैं, और अब यदि उन्हें आखिरी मैच में जीत भी मिल जाए तो वह भी केवल 14 अंकों तक जाएंगे। ऐसे में उनका क्वालिफिकेशन अब नामुमकिन हो चुका है। आपको बता दें 7वें पायदान पर कोलकाता की टीम मौजूद है, जिनका भी हाल पंजाब जैसा ही है। उनके भी 13 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक हैं, और पंजाब के साथ वह भी इस रेस में बहुत पीछे चल रही हैं। उनके ठीक ऊपर मौजूद है राजस्थान के राजवाड़े, और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान भी कोलकाता और पंजाब के रंग में ही रंगी हुई है। उनके भी 13 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक हैं, तो वही आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी जब हम आपको बताएंगे कि 5वें पायदान पर मौजूद बेंगलुरु के भी 12 अंक हो चुके हैं। हालांकि उनके लिए खुशखबरी यह है कि बेंगलुरु ने 12 मैचों में ही 12 अंक प्राप्त कर लिए। ऐसे में जहां राजस्थान, कोलकाता और पंजाब की टीमें केवल 14 अंकों तक पहुंच सकती हैं, वहीं बेंगलुरु के अवशेष बचे अपने दोनों मैचों में जीत के साथ 16 अंकों तक पहुंचकर आसानी से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के तीनों कॉम्पिटिटर उनसे बहुत पीछे हो चुके हैं, और पंजाब की हार ने उनसे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तब जाकर कहीं बेंगलुरु के खेमे ने राहत की सांस ली है। लेकिन दोस्तों टॉप 4 में जगह पाना उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि 4वें पायदान पर मुंबई की टीम मौजूद है जो पहले से ही 13 मैचों में 14 अंकों पर मौजूद है। आखिरी मुकाबले में उन्हें किसी भी कीमत पर जीत चाहेगी मुंबई, हालांकि उन्हें अपने रन रेट में इजाफा करने के लिए बहुत बड़ी जीत चाहिए। तो वहीं तीसरे पायदान पर 15 अंकों के साथ लखनऊ की टीम मौजूद है, और प्लेऑफ का समीकरण बेहद जटिल हो चला है। टॉप 5 टीमों के बीच जबरदस्त संग्राम देखने को मिलने वाला है, और आईपीएल के लीग स्टेज का आखिरी हफ्ता 16 सालों के सभी रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा कर रख देगा। दोस्तों गुजरात टॉप स्थान पर बनी हुई है, जिनके 18 अंक हो चुके हैं और उन्हें पहले पायदान से हटाने का मादा किसी भी टीम में नहीं है। वहीं दूसरे पायदान पर चेन्नई की टीम भी 15 अंकों पर मौजूद है। ऐसे में लखनऊ और चेन्नई के बीच कड़ी टक्कर है, और अपने आखिरी मुकाबले में जो भी जीत हासिल करेगा वह दूसरे पोजीशन पर कब्जा जमाएगा। जी हां दोस्तों, गुजरात के अलावा यह कह पाना अभी भी नामुमकिन है कि कौन सी टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएंगी, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी वो टीमें होंगी जो टॉप 4 में क्वालिफाई करेंगी, अपनी जगह निश्चित कर लेंगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।